चलिए कह रहे हो कह रवि कुमार जी, ओरिएंट क्राफ्ट के सीएमडी श्री सुधीर डिंगरा जी, श्रीमती ललिता नंदराज डिंगरा जी, ईएडवाई पार्टनर श्री सतीश कौशल जी, रांची के उपायुक्त, ओरिएंट क्राफ्ट के सीईओ, युवा और देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की हमारे नौजवान गौरव सहगल जी, ओरिएंट क्राफ्ट के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, इस आधुनिक औद्योगिक में नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है हमारी सभी बेटियां, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों, मीडिया के साथियों, मैं आज इस मुकाम में हूं वो मेरी मां के कारण, और मां के साथ साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो नारी शक्ति है, महिला शक्ति, ये शक्ति हमारी घर परिवार तक ही सीमित है। हमारी सरकार की सोच है कि ये जो होम मेकर है हमें उसे नेशनल मेकर बनाना, स्टेट मेकर बनाना, और इस सोच के साथ मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही मेरी ये प्रयास थी कि जो हमारी बहनें, जो हमारी बेटियां, इनको बिना आगे किए झारखंड आगे नहीं बढ़ सकता। और हमने जहां 2014 में मात्र 43,000 स्वयं सहायता समूह ग्रुप थे, हमने अपने अधिकारियों से कहा कि गांव गांव में सखी मंडल की गठन करें, और आज 2,17,000 सखी मंडल की बहने की हमारी गठन, और उनको बैंक और सरकार के द्वारा लिंकेज कर हमारी सभी बहनें स्वरोजगार कर आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होने का काम कर रही है। इसी तरह हमारी सरकार ने ये जो समाज में जो विकृतियां आई है, जो हम जगह जगह देखते हैं, महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटना, ये जो हमारे समाज पर कलंक आया है, इसे सोच को बदलने के लिए झारखंड देश का पहला राज्य है जहां 50 लाख की संपत्ति में अगर हमारी बहनों के नाम पर कोई जमीन रजिस्ट्री कराओगे तो 1 रुपये में रजिस्ट्री होती है, ताकि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जायदाद का मालकिन बने, समाज राज उसे सम्मान दे, इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और अक्सर समाचार पत्र में ये मैं पढ़ता था, टीवी में देखता था, जब मुख्यमंत्री नहीं बना था तब, कि हमारी झारखंड की बच्चियों को किस प्रकार टफिंग कर रोजगार के नाम पर बच्चियों को बेच दिया जाता था। अब सोचिए, जो बच्ची हमारी किसी के हाथों बिक गया है, उसके साथ किस प्रकार शारीरिक शोषण, रोजगार के नाम पर कहीं बॉम्बे, कहीं कलकत्ता, कहीं दिल्ली, कहीं गुड़गांव, जगह जगह हमारी बच्चियों को बेचा गया।
और 5,000-7,000 के रोजगार के नाम पर किसी के घर में नौकरी और उस मालिक के द्वारा हमारी बच्चियों को टॉर्चर किया जाता था। कोई हमारी बच्चियों पे सिगरेट जला के दगा दिया जाता था और ये मुझे बहुत पीड़ा देती थी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब ये झारखंड जो 14 साल स्कैम झारखंड के नाम से पूरी देश दुनिया में बदनाम, भ्रष्टाचार झारखंड की पहचान, 14 साल में ये पहचान झारखंड की उपलब्धि थी। तो मैंने निर्णय लिया इतना प्यारा झारखंड, हमारा झारखंड, इतने भोले भाले लोग, ये झारखंड की छवि को हमें सुधारना। और हम सब ने देश से लेकर दुनिया के विभिन्न देश में हमने रोड शो किया। और जो सुधीर जी चर्चा कर रहे थे उसी रोड शो में एक होटल में इनसे मुलाकात हुई। मैं सुधीर जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता क्योंकि इनका भी डेडिकेशन, समर्पण, हमें किसी भी काम में तभी सफलता मिलेगी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, पढ़ाई के क्षेत्र हो, या हम जहां नौकरी कर रहे हैं उस क्षेत्र हो, समर्पण बहुत जरूरी है। समर्पण से ही सफलता मिलती है। और जिस समर्पित होकर इन्होंने कमिटमेंट किया उस होटल में, खाली आप पॉलिसी अच्छी बनाइए, हम बहुत हजारों हजार लोग को झारखंड में रोजगार दे। और आज धनतेरस के अवसर पर सुधीर जी ने एक मंदिर, मैं कारखाने को मंदिर मानता हूं क्योंकि मैं भी मजदूर था। टाटा स्टील में जब मैं पहली बार कंपनी के गेट में घुस रहा था तो मेरे पिताजी ने कहा, बेटा पहली बार जा रहे हो, मंदिर में घुसने के पहले गेट को जरूर प्रणाम करना। और मैंने गेट को प्रणाम कर पहली 350 रुपए के रोजगार में 1980 में टाटा स्टील की मजदूरी की है। और मजदूरी करते करते भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में आप सभी जनता के आशीर्वाद से इस मुकाम तक मैं पहुंचा। और मेरी कोशिश थी ये राज्य हमारा बहुत समृद्ध राज्य है, हमारे सामने न गुजरात टिक सकता है न हमारे सामने महाराष्ट्र टिक सकता है। हमारे पास देश का 40% प्राकृतिक संसाधन है। हमारे पास इतने सीधे साधे भोले भाले झारखंड वासी है। हमारे पास भू संपदा, कोई कारण नहीं कि इसकी गोद में गरीबी पले, झारखंड की गोद में। और मेरे जीवन का भी संकल्प है, मेरी सरकार का भी संकल्प है, अमीर राज की गोद से गरीबी को समाप्त कर। हम शासन करने नहीं आए, न राजनीति करने आए, हम झारखंड की जनता की सेवा करने आए, गरीब की सेवा करने। और इस भाव से हमारी सरकार ने, जब डिंगरा जी ने सुझाव दिया जॉब ओरिएंटेड, जिसकी वर्णन हमारे सचिव सुनील जी ने विस्तार से आपको बताने का काम किया, हमने बनाई। क्योंकि इस राज्य के संसाधन पर हमारी एक एक गरीब का हक है। और इसलिए नीतियां, निवेश, क्योंकि मैं एक मजदूर पैक इंडस्ट्री से संबंधित हूं, निवेश उसी राज्य में जाते हैं जहां नीतियां अच्छी होती है, नीयत अच्छी होती है, त्वरित निर्णय होते हैं, पारदर्शी शासन व्यवस्था होती है। और सिर्फ टेक्सटाइल के सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में हमने पॉलिसी बनाई। जैसे एक जूता सबके पैर में फिट नहीं होता, उसी तरह हमारी सरकार ने, क्योंकि झारखंड एक अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश है, हर सेक्टर में रोजगार है,
और हर सेक्टर को किस सेक्टर में हमने सबसे पहले नीतियां बनाई। नीतियां बनाने के बाद ही हमने रोड शो की, क्योंकि अगर हम रोड शो करें, कोई निवेशक हमसे पूछे कि आपकी नीतियां क्या है। पूर्व में भी सरकार में एमईओ हुए थे, नीतियां नहीं बनी थी, जिनके कारण जमीन पर निवेश उतरा है। हमारी सरकार ने नीतियां बनाने के साथ साथ जितने भी रोड शो चाहे देश और विदेश में मैंने किया, उस निवेशक से भी मैं पूछता था कि कोई ऐसा आप बताइए, हम अभी भी आपके नीतियां में संशोधन हम करेंगे। और बीच बीच में ढिगरा जी ने टेक्सटाइल पॉलिसी, आज देख रहे हैं वर्ल्ड का बेस्ट टेक्सटाइल पॉलिसी, तो सरकार के साथ साथ ढिगरा जी का, सुधीर जी का, उनके पुत्र का बहुत बहुत योगदान है। आज जितने भी हमारी बच्चियां को इस दिवाली के दिन, जो आज जितने बच्चे के घर में दीप जल रहे हैं, ये आज खुशी के दीप दिवाली के दिन में उनके घर में जल रहे हैं, क्योंकि दीपावली खुशहाली का त्योहार है। और इस दीपावली के अवसर पर ढिगरा साहब ने हर गरीब के घर में रोजगार देकर दीप जलाने का काम किया, इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। जो मुझे आज सबसे दिल से मुझे छुआ, वो हमारे दिव्यांग भाई बहन को आपने एक समाज जैसे देखता है, कोई दिव्यांग या हमारे भाई बहन रहते हैं या बुजुर्ग, तो दया भाव से देखता है बेचारा, लेकिन आपने दया भाव के साथ साथ कर्तव्य भाव भी आपने दे। और जिस तरह आपने हमारे दिव्यांग बहनों को आपने स्किल्ड कर रोजगार देने का काम किया, मैं आपको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। यही है, मैं हर लोग को कहता हूं, कितनों पैसे वाले हो, पैसे वाले को समाज याद नहीं करता। आप करोड़पति रहो, लखपति रहो, 10-10 लाख में रहो, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमो, उससे समाज को कोई मतलब नहीं। समाज उसी को सम्मान करता है जिसने समाज को दिया। तो ढिगरा साहब ने जो भी उनके पास संसाधन थे उसने समाज को दिया, इतने लोग के घर में दीपावली में खुशहाली का त्योहार ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए हमारी सरकार अधिक से अधिक यहां निवेश हो, अधिक से अधिक हमारे झारखंड की गोद में जो गरीबी पल रही है, वो गरीबी समाप्त तभी होगी जब खेती के साथ हमारे किसान के बच्चे बच्चियां भी रोजगार करें, नौकरी मिले। इस सोच के साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को हम पैरेलल लेके चल रहे हैं। और इसीलिए झारखंड देश का, जहां डबल इंजन की सरकार ने, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी हर किसान को 6,000 रुपया दे रहे हैं, हमारी सरकार पर एकड़ 5,000, अधिकतम 5 एकड़ किसान को 25,000, ताकि हमारे किसान, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसान की आय दोगुना करना, तो किसान गरीब होता है तो उसके घर में जो बच्चे बच्चियां उनको रोजगार मिले, किसान की जो हमारी बहनें हैं उनको सखी मंडल के माध्यम से स्वरोजगार करने का काम करें। जैसे 1 नवंबर से हम 40,000 सखी मंडल बहन को स्वरोजगार देने जा रहे हैं। ये रेडी ट्वीट में 19 साल 500 करोड़ रुपया हमारा दिल्ली के ठेकेदार के पास जाता था, ये हमने बंद कर दी। अब हमारी हर प्रखंड में सखी मंडल रेडी ट्वीट बनाएगी, पैकिंग के काम भी सखी मंडल की बहन करेगी, आंगनबाड़ी केंद्र में भी पहुंचाने का काम हमारी झारखंड की बहने करेगी। और 500 करोड़ हर साल अब हमारे इस झारखंड के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, इस तरह हमारी सरकार की सोच है कि आने वाले समय में
जैसे डिंगरा साहब ने कहा, दो तीन साल हम 1 लाख टेक्सटाइल सेक्टर, सिर्फ एक डिंगरा साहब, काफी टेक्सटाइल के लोग यहां अभी निवेश किए हैं। अभी एक सप्ताह पहले ही एक अरविंद टेक्सटाइल का भी हम लोग ने उद्घाटन किया और फिर शिलान्यास भी किया। काफी लोग झारखंड की ओर टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश कर रहे हैं और टेक्सटाइल के सेक्टर में ही नहीं, नीति पॉलिसी अच्छे होने के कारण फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी काफी निवेश हो रहा है, स्टील एंड मेटल सेक्टर में भी निवेश हो रहा है, पावर में भी निवेश हो रहा है, ऑटो कंपोनेंट में भी निवेश हो रहा है, फीड प्रोसेसिंग में भी निवेश हो रहा है और फर्नीचर झारखंड, मैंने कहा बहुत संभावना, वन से आच्छादित प्रदेश, इतने हमारे जंगल है, बांस होते हैं तरह तरह की। मैं रवि कुमार को और उद्योग विभाग को और स्किल डेवलपमेंट के जो हमारे बैठे हुए सीओ झाजी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मन लगाकर हमारे बच्चों को स्किल्ड करने का काम किया और उद्योग विभाग जो स्किल्ड है उसको रोजगार देने का काम किया। ये जो समन्वय स्थापित होकर स्किल और इंडस्ट्री विभाग ने काम किया। अब हमारी संथाल की बहनें, ये जो तालाब में पनडुब्बी होती है उसका मेट बनाकर, मैं अभी संथाल परगना में 20 दिन पहले, जामा एक प्रखंड है, वहां 300 महिलाओं को हम लोग ने ट्रेनिंग देकर इंडस्ट्री विभाग ने ये जलकुंभी जो तालाब में होता है उसका मेट इटली भेजने का काम किया। अब बांस से बांस बेत का सारा चीज यूरोप कंट्री में जा रहा है, सब्जी हमारा विदेश जा रहा है। तो बांस और सब्जी से आधारित अब जो भी उपज है चाहे कृषि से, वो अब विदेश झारखंड भेज रहा है। और जो हमारे यहां बच्चियां बनाएंगे टिगरा जी के कंपनी में, अब यहां से भी देश के विभिन्न राज्य, देश के दुनिया के विभिन्न देश में कपड़ा का बनाया हुआ भी झारखंड से जाए। और जैसा पूर्व के वक्ताओं ने कहा, पॉलिसी के कारण आने वाले दो तीन वर्ष के अंदर दुनिया का जो तगमा भी बांग्लादेश लिया हुआ है गारमेंट्स पे, वो तगमा झारखंड को प्राप्त होगा आने वाले समय में, जिस तरह टेक्सटाइल में के सेक्टर में झारखंड निवेश होगा। इतने ही नहीं, अभी मैं आने के पहले चाइना का भी एक डेलीगेशन आया, वो भी गारमेंट्स और फूड। अब यहां हमारे आने वाले समय में, उस दिन भी मैंने एक चप्पल बनाने का फैक्ट्री का शुरुआत की, कुछ दिन के बाद देखिएगा चाइना के यहाँ के इंडियन के साथ कोलेबोरेशन करके, अभी आने के पहले उस डेलीगेशन से मिल गया, उन्हें भी हमने कितना 7.5 एकड़ दिया ना, सुने जमीन कितना दिया, तो चाइनीज़ वाली टीम को 7.5 एकड़, वो भी बहुत जल्द भूमि पूजन करने हैं। वो गारमेंट्स का भी क्षेत्र में, जैसे आया आपके ये ढिंगरा जी कर रहे हैं, और जूता चप्पल भी बनेगा यहां से, एक्सपोर्ट होगा झारखंड से। आगरा के लोग हैं वो लोग, आगरा के अभी 4-5 लोग मिलके गए, आने वाले समय में गारमेंट्स के साथ साथ ये जूता चप्पल भी कहां बनेगा, झारखंड में, ताकि हमारे गरीब को यहां रोजगार। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और मैंने एक और सपना देखा, हमें झारखंड को दुनिया के विकसित राष्ट्र की बराबरी में लाना। मैं प्रतिस्पर्धा गुजरात से नहीं कर रहा हूं, मैं प्रतिस्पर्धा महाराष्ट्र से भी नहीं कर रहा हूं, मेरी प्रतिस्पर्धा है दुनिया के विकसित राष्ट्र से। और ये हम कर सकते हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमारे अंदर संभावनाएं भी है, हमारे अंदर संजोग भी, कोई कारण नहीं कि अब दुनिया के विकसित राष्ट्र की बराबरी में झारखंड आ सकता है। इतने झारखंड में सामर्थ्य है और ये सामर्थ्य को जगाते हुए आने वाले वर्षों में आप देखेंगे झारखंड आज जो विकासशील राज्य है वो आने वाले समय में एक विकसित राज्य की श्रेणी में आएगी। और विकसित राज्य की श्रेणी में ये जो टेक्सटाइल सेक्टर, ये वस्त्र उद्योग का क्षेत्र एक विशेष महत्व रखता है
और इसीलिए हमारी सरकार, क्योंकि यहां कम पूंजी में ज्यादा रोजगार है और इसीलिए हमने जॉब ओरिएंटेड जो सब्सिडी दी, चाहे जूता चप्पल में हो चाहे टेक्सटाइल में हो, इसके पीछे सोच यही कि हर गरीब के घर एक दिया जलाना। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब अपने विचारों से हमारा मान। तो आदर